छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले से खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिले के सोनहत क्षेत्र में उपस्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अब टाइगर रिजर्व कहलाएगा, साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि NTCA ने काफी समय पहले गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनने के लिए हरी झंडी दिखा दी थी। मामले में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की थी, तब कोर्ट ने सरकार को टाइगर रिजर्व पर फैसला लेने के लिए 3रा दिन का समय दिया था। अब इसकी घोषणा की जा चुकी है, इससे यह तय है कि कोरिया के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। बड़ा हर्ष का विषय है कि मंत्रिपरिषद की बैठक में गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस टाइगर रिजर्व स्टेटस के लिए पिछले कई वर्षों से लगातार प्रयास जारी थे और ये खुशी का विषय है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे सरगुजा क्षेत्र के लिए। गुरु घासीदास हमेशा से वन्य प्राणी जैव विविधता से संपूर्ण रहा है और इसमें लगातार जो भी वन्य प्राणी है, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, भालू, अन्य सभी को देखा गया। टाइगर रिजर्व स्टेटस मिलने से हम माननीय वन मंत्री आदरणीय PCCF सर के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, हैबिटेट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और इको टूरिज्म डेवलपमेंट का कार्य कर पाएंगे। इसमें सतत प्रयास जारी रहेंगे। इन सब कारणों से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ की जो स्थानीय पॉपुलेशन है, स्थानीय लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा सके और इन सब चीजों के साथ साथ वन्य प्राणी मैनेजमेंट और लगातार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के कार्य पर ध्यान दिया जाए। आप सभी को बहुत